नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज कंपैटिबिलिटी बिटवीन नंबर 8 एंड नंबर 8। मतलब कहने का मतलब है कि आप भी नंबर 8 है और आपका पार्टनर भी नंबर 8 है। अब ये लाइफ पार्ट नंबर भी हो सकता है, डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है और बेसिक नंबर भी हो सकता है। कैसे? सपोज आप 8 तारीख को बॉर्न हुए हैं या 17 तारीख को या 26 तारीख को, या आपका पार्टनर भी इन्हीं में से कोई डेट्स पे बॉर्न हुआ है, या फिर आपका या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 8 आ रहा है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो वो नंबर 8 आ रहा है, तो उसको हम डेस्टिनी नंबर भी कह सकते हैं और लाइफ पार्ट नंबर कह सकते हैं। अब कैसी होगी वो जोड़ी, कैसा होगा वो पेयर कि जो ये दोनों नंबर 8 होंगे, क्या ये पेयर बनना चाहिए? क्या हम सजेस्ट करते हैं इस पेयर के बारे में कि ऐसा पेयर बनाना चाहिए, या कैसी होगी इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, मैरिज में किस तरह के रिलेशन ये दोनों शेयर करेंगे, किन किन बातों में इनकी बॉन्डिंग मजबूत होगी या किन किन बातों में इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उस बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। देखिए, अगर मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात करें तो मैं हमेशा एक बात ये ज़रूर कहता हूँ कि एक नंबर के बेस पे हम कभी भी मैरिज जज नहीं कर सकते या मैरिज कंपैटिबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक नंबर तो सिर्फ एक ही नंबर हुआ ना पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। डेट ऑफ बर्थ में मंथ नंबर होता है, ईयर नंबर होता है, आपका डेस्टिनी नंबर कई बार अलग होता है, बेसिक नंबर आपका अलग होता है। तो सिर्फ इस बेस पे वीडियो बनाना कई बार मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि कितना बता पाऊँगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट होगा। क्यों इनकम्प्लीट होगा? वजह ये है क्योंकि हमने उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा, जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो एक बात समझ लीजिए कि इसके बेस पे आप अपने पार्टनर को पूरा जज मत कीजिएगा। पूरा जज इसलिए नहीं कि जो मैं आपको बताऊँगा वो ट्रेट्स आपको उनको देखने को मिलेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, क्योंकि वो बेसिक नंबर है, डेस्टिनी नंबर के अफेक्ट्स आते हैं, ये डाउट नहीं है। मगर उसके बाकी के नंबर्स, दशाएं बदलती हैं, वो दशाओं के नंबर्स वो आदमी को कुछ चेंजेस लेके आते हैं। हम नहीं कह सकते पूरी धरती पे 800 करोड़ लोग हैं तो वो 8 नंबर वाले सारे एक जैसे होंगे। हाँ, उनके अंदर कुछ चीज़ें सेम दिखेंगी आपको, वो जो दिखेंगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मगर अपने पार्टनर को कभी भी इस बेस पे मत छोड़िए या इस बेस पे मत पकड़िए, कह सकते हैं कि मैंने आपको ये बताया है, ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझिए। देखिए, इस पेयर को हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा कम सजेस्ट करने की, वजह भी बताऊँगा। आप समझ लीजिए पहले कि 8 नंबर एक्चुअल में इंसान किस तरह के होते हैं, कि 8 नंबर के इंसान होते किस तरह से, क्या उनको पसंद होता है। क्योंकि अब दोनों 8 वाले आपस में मिल रहे हैं, दोनों एक साथ एक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। अब दोनों ज़िंदगी गुजारने वाले हैं तो दोनों को एक चीज़ का समझ होनी चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स दोनों के अंदर रहेंगी। 8 को समझ भी 8 वाला इसलिए भी सकता है, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि वो उसके साथ सेम प्रॉब्लम्स उसके साथ भी बीत रही है। जैसे हम एक बात करते हैं 8 नंबर की, कि 8 नंबर जो होते हैं ना, इनकी हर चीज़ एक्सट्रीम में होगी। इनकी कोई भी काम होगा ना, एक्सट्रीम्स को हम कहते हैं 8 नंबर। कई बार हम कुंडलियाँ देख रहे होते हैं, कुंडलियों में कॉम्बिनेशंस बनते हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस दो, जैसे दो कुंडलियाँ बन रही हैं, जिसमें जो 8 नंबर वाला होगा ना, उसके उस केस में वो जो चीज़ होगी वो एक्सट्रीम लेवल पे होगी। जैसे अगर किसी को कोई लॉस होना है तो 5 या 6 नंबर वाला होगा, उसका लॉस होगा लिमिटेड होगा। मगर 8 नंबर वाले का जो लॉस भी होगा वो भी एक्सट्रीम होगा। कोई झगड़ा होगा तो वो भी एक्सट्रीम होगा। तो अगर दोनों, अब दोनों को कन्विंस करना आसान नहीं है, मगर किसी तरीके से दोनों पास आए हैं, कोई वजह है, अरेंज मैरिज में कह सकते हैं, लव मैरिज में कह सकते हैं, मगर पास आए हैं तो कोई तो वजह होगी ना। मगर ये दोनों एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होगा दोनों को कन्विंस इजीली करना आसान नहीं है, दोनों को आसान नहीं है। दोनों रियल इमोशंस पे जाने वाले हैं, फेक इमोशंस पे नहीं। इनको, इनसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते, हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, बस शर्त यह है कि इनको पता होना चाहिए कि सामने वाला जेन्युइन है, सामने वाला इनको बेवकूफ़ नहीं बना रहा। इमोशंस जो हैं इनके रियल जगहों पे ज़्यादा जल्दी जाते हैं। एक दूसरे के साथ खड़े होना, सपोर्ट करना, अच्छा खाली नहीं दोनों बैठ सकते, दोनों खाली नहीं बैठ सकते, दोनों की लाइफ में स्ट्रगल्स, डिलेज, क्योंकि ये सैटर्न का नंबर है। अब सैटर्न का नंबर है तो ये समझ लीजिए डिलेज तो होंगे,
लाइफ में कोई भी चीज़ मिलनी है लेट मिलनी है, लाइफ में स्ट्रगल रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, अटकलें आएंगी, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में आएगी। अगर ये दो लोग पेयर में रहते हैं तो इनके पेयर को जो एक नया रूप मिलेगा, या जिसे हम कहते हैं कि एक पेयर इनका अगर पॉजिटिव की तरह, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो तो आएंगी प्रॉब्लम्स, ये आप नहीं कह सकते क्योंकि दोनों 8 नंबर हैं तो इसलिए प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर कई बार डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं मगर कम हो जाती हैं, इनका असर कम हो जाता है। तो दोनों की लाइफ अगर प्रॉब्लम्स वाली चल रही है, स्ट्रगल वाली चल रही है, तो 35 या 44, 35 की एज के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इनका ग्राफ थोड़ा सा ठीक पैटर्न में जा रहा है। मगर 35 तक रिलेशन मेंटेन करना इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा। 35 तक इनका रिलेशन, 35 की एज तक दोनों की, तो 35 की एज तक ये दोनों जो रिलेशन मेंटेन करेंगे वो बहुत डाइसी होगा, कि टूटने का भी डर रहेगा, क्योंकि आजकल मैरिजेस जो हो रही हैं वो थोड़ी सी, जिसे आप समझ रहे हैं ना, कि कॉम्प्लिकेटिव और सेंसिटिव हो रही हैं। कहा जाता था कि पहले शादियाँ जल्दी होती थी, डाइवोर्स लेट होते थे, आजकल शादियाँ लेट हो रही हैं और डाइवोर्स जल्दी हो रहे हैं। तो मगर एक ख़ास बात यह है इनकी स्टेबिलिटी की, कि ये आपके साथ एक दूसरे के साथ तब तक बने रहेंगे, मतलब जब तक सारा ज़माना छोड़ दें, मगर ये दोनों एक दूसरे का साथ जल्दी नहीं छोड़ेंगे, तो ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बताया कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी। मैं अवॉइड क्यों करने के लिए कहूँगा, क्योंकि देखिए लाइफ हमारी, आपको पता है, अगर कोई स्पेशल रीज़न है, कोई लव मैरिज का केस है या कुछ और चीज़ें हैं, तो आप कह सकता हूँ मैं कि आप कर लीजिए, क्योंकि फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसके बाद आप उपाय पूछेंगे, ठीक है ना। मगर मैं आपको वैसे सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो अवॉइड दिस। अवॉइड क्यों, क्यों ज़बरदस्ती हम स्ट्रगल्स की तरफ देखें। अगर मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है 8 और आपकी 8 है, तो एक बारी के लिए अगर मैं किसी के पास जाऊँगा तो मुझे कहेगा यार कोई अच्छा अच्छी और उसको और मिला ले अगर ऑप्शन हैं तो। तो वही मैं कहूँगा कि अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो क्यों आप स्ट्रगल में, क्यों आप किसी ऐसे के साथ जुड़ना चाहते हैं कि जिसके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड इसका बहुत अच्छा है मगर स्ट्रगल्स बहुत है, प्रॉब्लम्स रिलेशंस में इनके साथ बहुत रहेंगी, कुछ ना कुछ हर्टिंग, कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं स्ट्रेस, वो इनके साथ बना रहेगा। 8 की खास बात बताऊँ, जैसे 8 होता है ना ऐसे, तो ये सारी ज़िंदगी नीचे की तरफ रहेगा, मगर हाफ एज के बाद ये ऊपर की तरफ उठता है, फिर ये ऊपर की तरफ ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप इनसे एंटी हो गए, मान लीजिए कुछ नंबर्स आपके एंटी हो गए आपस में, तो ये समझ लीजिए फिर इनके साथ भिड़ना भी आसान नहीं है, आसान नहीं है इनके साथ भिड़ना, इनको तोड़ना आसान नहीं है। क्यों, रिलेशनशिप में हम चाहें कि आपस में एक दूसरे का टूटना, क्योंकि रिलेशनशिप ना ऐसा अच्छा रहता है कि एक झुक जाए और एक सुपीरियर है तो वो थोड़ा सा पेयर बन जाता है, या दोनों एक दूसरे के साथ बराबरी रिस्पेक्ट दें। मगर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखी गई है, मैं जितने भी मैच मेकिंग्स करता हूँ उसके अंदर पॉसिबिलिटी बराबरी की ना बहुत कम दिखी गई है, क्योंकि नहीं बर्दाश्त कर पाता कोई भी, बर्दाश्ता नहीं है वो, एंग्जाइटी जिस हिसाब से प्रेशर और स्ट्रेस चल रहा है इस टाइम के टाइम पे, प्रेशर बहुत कम लिया जाता है। प्यार को पावरफुल बनाएं, अगर बन रहा है फिर भी ये पेयर तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव हुआ। मैंने आपको बता दिया कि जानबूझ के मत कूदें कि हमने स्ट्रगल लेनी ही लेनी है। अगर कोई लाइफ इजी गोइंग जा रही है, आपके पास ऑप्शंस हैं, एज नहीं इतनी हुई है या नया ऐसा कुछ है, तो आप दूसरी ऑप्शंस की तरफ और नंबर्स की तरफ जा सकते हैं। आप नंबर 8 एम नंबर 2 के साथ जा सकते हैं, नंबर 5 के साथ जा सकते हैं, नंबर 6 के साथ जा सकते हैं, मगर अगर 8 के साथ फिर भी जाना चाहते हैं तो और नंबर्स और चीज़ें देख सकते हैं, कान खोल के और चीज़ें, कहते हैं ना जिस तरह दिमाग खोल के एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से देखें कि आगे पेयर कैसा रहेगा, सेपरेशन के चांसेस कम हैं, सब कुछ देख के आप फैसला ले सकते हैं। आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी दी होगी आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। आपसे अलविदा लेता हूँ, नमस्कार।